नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संकल्प है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, आम जनता की मदद के लिए सरकार हर पल खड़ी है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था और बिगड़ते हालातों के बीच राज्य की जनता को भूखा नहीं सोने दूंगा। राजस्थान सरकार लॉकडाउन के बाद रोजी रोटी से वंचित गरीब तबकों को राहत देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ परिवारों के लिए 2,000 करोड़ रुपए पैकेज घोषित किया है। इसके तहत रोजी रोटी से वंचित लोगों को राज्य सरकार की ओर से 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने भामाशाहों, सांसदों, विधायकों, पटवारी, पुलिस के तमाम अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वो अपने इलाकों में किसी भी गरीब, बेसहारा, कचरा बीनने वाले रिक्शा चालक या जो ऐसे लोग जो भूखे हैं और जो भोजन से वंचित हैं, उन तक भोजन राशन सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाए, जिससे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और न भूखा सोए। भले ही राजस्थान की सरकार इस वायरस से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रही है, लेकिन सरकार इस बात को भी सुनिश्चित कर रही है कि आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए।